मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियोस की नई नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था। मतलब आज का व्लॉग मैं ऑलरेडी मैंने प्लान करके रखा था कैसे बनाना है, मतलब क्या था, क्योंकि क्या मेरा गूगल वेरिफिकेशन पिन ऑलरेडी आ चुका है, तो आज मैं उसको एक्टिवेट करने वाला था, मतलब वेरीफाई करने वाला था। बट और आज इतना मेरे को अच्छा फील हो रहा था कि मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी भी उठ गया और ऑफ़िस के लिए मैं घर से जल्दी निकला और मैं ठीक अपने टाइम पे ऑफ़िस पहुंचने वाला था। तो ऐसा हुआ कि मतलब ऑफ़िस से कुछ डेढ़ ढाई किलोमीटर की दूरी पे था मैं, और उतने में मेरी गाड़ी की हो गई चेन लूज़ और मेरी गाड़ी की चेन निकल गई। अब ऑलमोस्ट आधे घंटे से ऊपर हो गया हो, अभी तक तो कोई मैकेनिक का नंबर नहीं मिला और एक गैरेज मुझे यहाँ पीछे दिखा था पंचर वाले का, बट पंचर वाला अभी तक आया नहीं है। अगर पंचर वाला एटलीस्ट आ जाएगा तो मुझे पाना पकड़ जो भी है मिल जाएगा, इक्विपमेंट तो मैं अपने हाथ से चेन इसके टाइट कर लूँगा। फिलहाल तो एकदम पक गया हूँ। ये देखो मेरी गाड़ी सामने खड़ी है, ये खड़ी है मेरी गाड़ी, ये मेरा बैग वगैरह पड़ा हुआ है। आधे घंटे से मैं यहाँ खड़ा था, अब गाड़ी मैंने थोड़ा शेड के नीचे ले लिया हूँ। साइन चुने एक्सप्रेस हाईवे सीधा जाता है कुर्ला की तरफ। आधा घंटा हो गया, पूरी तरह से पक चुका हूँ अभी बस, और भूख भी लगने लगी। एटलीस्ट सुबह मैं नाश्ता करके आया था, बड़ी बात है, नहीं तो मैं रोज़ नाश्ता भी करके नहीं आता हूँ। अब नाश्ता करके आया हूँ तो मतलब स्टेबल है, तो आसपास में कुछ नाश्ता करने के लिए भी नहीं है। तो गाइस आप लोग दुआ करना। मैंने अपने ऑफिस के इमरान भाई को फ़ोन करके बताया कि मतलब मेरी गाड़ी की चेन निकल गई है, पर वो बोल उन्होंने बोला कि मैं थोड़ी देर पहले ही सेम रूट से मैं निकल गया। एटलीस्ट अगर उनको 10 मिनट पहले फ़ोन किया होता ना तो मुझे वो पीछे ही मिल गए होते, मेरी गाड़ी अभी तक बंद हो गई थी, मैं ऑफिस चला गया होता। बट अभी लग तो नहीं रहा काम जल्दी होगा, अभी एक डेढ़ घंटा आता है, मुझे एक डेढ़ घंटा लगता है और जाएगा यहाँ बैठने के लिए, क्योंकि जो पंचर वाला है कुछ 11:30 से 12 बजे के आसपास पंचर का शॉप खोलता है। देखते हैं, वेट करते हैं, यहाँ पर चाय वाय वाला भी कोई है नहीं आसपास, यही टाइम पास करना पड़ेगा। फिलहाल तो ये कुर्सी अपना दोस्त है और ये अपना स्क्रीन है, मतलब यहाँ बैठ के भी बस रोड के व्यूज़ और नज़ारे लूँगा जब तक के लिए कोई मदद मेरे पास नहीं पहुँचेगी। ठीक है, मिलता हूँ। थोड़ी देर के बाद एक भाई मिले यार, अभी गैरेज मिला है वहाँ पर आया हूँ अभी, ये अपना चेन फिट कर रहे हैं। एक्चुअली में ना चेंज पॉकेट चला गया है, इसकी वजह से बाद मुझे इशू हो रहा है। अभी यहाँ से चेन तो लगा दी है, अभी ये कब तक चलेगी पता नहीं, अभी एक कल संडे माइट भी कल इसकी चेंज पॉकेट अपने को बदली कराना पड़ेगा। कल भी इसकी चेंज पॉकेट अगर बदली नहीं कराया तो फिर वापस से आगे जाके चेन निकल सकती है और आगे जाके और प्रॉब्लम हो सकती है। अल्लाह का शुक्र है कि एक बंदा मुझे मिला था जिसने मुझे पूरा फ्लाईओवर से लेके यहाँ तक ना टोचन करके गाड़ी मेरी हेल्प किया। अभी चेंज पॉकेट लग जाएगी फिर से अभी देखेंगे क्या होता है। मेरी गाड़ी की चेन निकल गई थी वेस्ट एक्सप्रेस ईस्टर्न हाईवे पे, तो आज ये गाड़ी की चेन जो फिक्स होने वाली है, ये अपने शंकर भाई है जो हमारी गाड़ी की चेन फिक्स करेंगे। तो गाइस ये आ गया मेरा नया चेन पॉकेट। क्या प्राइस है इसका? 1000 मेरे लिए है। अगर मेरा नाम लेके आओगे तो आपको शंकर भाई के यहाँ पर 1000 में चेन पॉकेट मिल जाएगा। हर गाड़ी का मॉडल का अलग अलग होता है, ये मेरी गाड़ी का है, इस पर MRP जो है कुछ ज़्यादा है। अपनी गाड़ी में लगेगा। भाई नाम क्या है तुम्हारा? अमित मौर्या। ये अमित मौर्या भाई है, शंकर भाई के गैरेज पे काम करते हैं। ठीक है, आ जाना यहाँ से इधर पे। सो गाइस फिलहाल मेरी गाड़ी का पूरा काम हो गया, अभी शंकर भाई बस गाड़ी का जो चेन बॉक्स कवर है वो पूरा कंप्लीट करके सेटअप कर रहे हैं। आगे कुट्टा लगा रहा हूँ ताकि गाड़ी में जब बारिश में जब गाड़ी चलेगी तो वो कचरा अपने पैर पर ना उड़े, गीला कीचड़ वगैरह। तो ये दो काम आज हो गया। अब एक बड़ा काम बचा है जो कि साइलेंसर का है, साइलेंसर का काम भी बहुत जल्दी करूँगा। एक बार आपको दिखाता हूँ ओवरऑल मेरे गाड़ी का काम चल रहा है, वो दूर से दिखाता हूँ। ये हमारे फिरोज, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर वॉइस में कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा था बट जो वॉइस है वो क्लियर नहीं थी। आजू बाजू की गाड़ियों की ज़्यादा आवाज़ आ रही थी इसलिए इस वॉइस को मैंने म्यूट करके वॉइस ओवर किया है। तो ये मैं जो बता रहा हूँ ना, वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर इनकी शॉप है जो सर्विस रोड पर है, लक्कर खार और बैंड्रा के बीच में, खार और सॉरी बैंड्रा और सेंटा क्रूज के बीच में। ये मेरा काम हो चुका है। तो ये भाई का गैरेज का बोर्ड है हरिओम ऑटो पार्ट्स, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका दे दूंगा मैं डिटेल्स, आप इधर से भी नोटिफाई कर सकते हो। ये शॉप है, ये हमारे फिरोज भाई है। ठीक है, तो गाड़ी अपनी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अभी गाड़ी कोई तकलीफ तो नहीं देगी, चलेगी अभी गाड़ी अच्छी। इसका क्या आईडी बता दो पौधा, क्या नाम, इंस्टा की आईडी क्या है तुम्हारी? मिस्टर ABSK। इनका इंस्टा की आईडी है मुझे बता देना तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, भाई को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम
इस सारी गड़बड़ में एक चीज़ तो मैं भूल गया, इस ब्लॉग का इंट्रोडक्शन। मतलब इस ब्लॉग में मैंने अभी तक इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं, तो चलो शुरू करते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन से। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, मरहबा एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एमएसए ब्लॉग्स मुंबई। तो गाइस, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मतलब मेरे वीडियो जो आके देख रहे हैं, 98% लोग अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से विनंती करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दूसरी चीज़ ये, मैं चाह रहा था कि इस ब्लॉग के साथ में जो मुझे गूगल वेरिफिकेशन पिन जो आ चुका है, एड्रेस वेरिफिकेशन पिन, उसको भी इस ब्लॉग में मैं शामिल करूँ। बट ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए उस गूगल वेरिफिकेशन पिन के साथ में मैं इस ब्लॉग को ऐड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी होने के कारण। और दूसरी चीज़ ये, मैं चाह रहा था कि गूगल वेरिफिकेशन पिन जो मुझे मिला है, उसके बारे में भी इस चीज़ में, इस ब्लॉग में एडिट कर दूँ। बट वो ये ब्लॉग ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं गूगल एड्रेस वेरिफिकेशन वाली जो चीज़ है, अपडेट्स जो मैं बताना चाहता हूँ, वो इस ब्लॉग में मैं ऐड नहीं करूँगा। उसके लिए एक सेपरेट अलग से ब्लॉग बनाऊँगा, और नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा मेरा उसी के ऊपर होगा, यही टॉपिक पर होगा। और बात करते हैं मेरी चेंज पॉकेट को लेकर। चेंज पॉकेट ने मुझे 2 बार धोखा दिया, इस बार मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हुआ। मतलब ऑफिस में भी लेट पहुँचा, और आज संडे का दिन था, मेरा गाड़ी बनाने में पूरा टाइम ख़राब हो गया। बस यही सारी चीज़ें थी जो मुझे पहले ही करा लेना चाहिए था, बट टाइम नहीं मिलने की वजह से सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। अब अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ सही से चलेगा, सब हो चुका है। और आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ, प्यार चाहता हूँ, मोहब्बत चाहता हूँ। बस लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे हमारे अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, शब्बा खैर।